take a chance. I never want to look back. Take a chance. Take a chance on faith. Take a chance on faith. सो व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम बैक एवरीवन टू अदर पबजी मोबाइल वीडियो। जैसे कि आप लोग इस वीडियो में आएंगे क्लोज कॉम्बैट में बेटर कैसे बनना आप लोग सीखने के लिए, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताता हूँ कि कैसे खेलते हैं कॉम्पिटेटिव प्लेयर्स, कैसे खेलते हैं चाइनीज प्लेयर्स जो भी खेलते हैं, कितने अच्छे कॉम्पिटेटिव में कैसे हैं, क्लासिक्स में कैसे हैं, इतने अच्छे क्लोज कॉम्बैट में कैसे हैं वो लोग, तो मैं आपको बताता हूँ। मैं इसमें आपको ड्रिल्स नहीं बताऊंगा, अगर आपको ड्रिल्स वगैरह देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो प्रीवियस पार्ट जाके देखो, वहाँ पे ड्रिल्स आपको पता चल जाएगी कि आपको कौन से ड्रिल्स फॉलो करनी है। लेकिन मैं इसमें आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जो आपको चीज़ें फॉलो करनी है जिससे आपको गेम प्ले काफ़ी सही हो जाएगा। ये आपको करोगे क्लोज कॉम्बैट में तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो गाइस जो आपको बताता हूँ उसका फॉलो करना, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो बी श्योर टू लीव लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसी लगी। सो लेट्स स्टार्ट इट आउट। तो गाइस जो सबसे पहली चीज़ आपके पास होनी चाहिए, होना चाहिए आपका एम। अगर आपका एम अच्छा है तो यू कैन लिटरली रॉक इन द गेम। तो एम बेटर करने के कुछ ड्रिल्स वगैरह होती है जो मैंने आपको बता रखी है, लेकिन आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे ड्रिल्स है वो। तो बहुत सारी ड्रिल्स होते हैं आपकी जो एम प्रैक्टिस वगैरह होते हैं उसको वहाँ पे आप फॉलो करो, तो इससे आपका एम काफ़ी बेटर होता है, ट्रस्ट मी। एंड जो भी सोचता है कि मैं बस खेलूँगा मेरा गेम बेटर हो जाएगा, लेकिन नहीं, सबको ट्रेनिंग में प्रैक्टिस करनी होती है। तो ट्रेनिंग में प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि ट्रेनिंग में प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने गेम सेंस बढ़ाने के लिए। आपको क्लासिक्स वगैरह खेलने पड़ेंगे, TDM से कुछ नहीं होता। TDM अगर आप खेल के बहुत तीर मार ले तो कुछ नहीं होगा। TDM में हाँ थोड़ी एम प्रैक्टिस होती है, बट गेम सेंस डेवलप नहीं होता। उसके लिए आपको क्लासिक्स वगैरह खेलने पड़ेंगे, रोटेशंस वगैरह सीखनी पड़ेगी, तो उससे आपका गेम डेवलप होता है। अब बात करते हैं क्लोज कॉम्बैट के बारे में। तो फर्स्ट चीज़ तो मैंने आपको बता दी थी कि आपका एम बहुत अच्छा होना चाहिए। सेकंड चीज़ के बारे में बात करते हैं, क्रॉस हेयर प्लेसमेंट। ठीक है, क्रॉस हेयर प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है, चाहे क्लोज कॉम्बैट हो या फिर जितने भी लॉन्ग रेंज फाइट्स भी हो। तो क्रॉस हेयर प्लेसमेंट मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ कि क्या है, कैसा, मतलब क्यों क्रॉस हेयर प्लेसमेंट इतना ज़रूरी है। तो देखो गाइस, सामने वाली बिल्डिंग में बंदा है, ठीक है, मुझे पता है सामने वाली बिल्डिंग में बंदा, मैं पीछे से जा रहा हूँ, लेकिन मैं ओपनली जा रहा हूँ, मैं स्मोक नहीं कर रहा ना मैं कुछ कर रहा हूँ, या फिर कैसी भी, चलो कोई सिचुएशन होती है। अगर आप किसी पर रश करते हो तो आपका क्रॉस हेयर, देखो मेरा क्रॉस हेयर कहाँ पर है अभी, मेरा क्रॉस हेयर उसकी छत पर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्रॉस हेयर मैंने उसको छत पर रखा। अगर वो निकलेगा ईजी, अगर मेरा क्रॉस हेयर नीचे होता तो मेरे को टाइम लगता है एडजस्ट करने में, और जब तक मैं एडजस्ट करता मेरी देखो हेल्थ कितनी है, और उसकी अगर वो मारता मैं ऊपर से निचला तब तक मैं मर जाता, मैं उसको नहीं मार पाता। बहुत ही ज़रूरी है आपका क्रॉस हेयर प्लेसमेंट। क्रॉस हेयर प्लेसमेंट सही रखो बिल्कुल, क्योंकि जहाँ बंदा है वहीं पे आपका क्रॉस हेयर रखना। और बात करते हैं थोड़े, अगर बंदा क्लोज में आप रश हो रहा है या फिर कुछ भी है, तो आपका जो क्रॉस हेयर हो चाहिए ना, पैरों की तरफ या फिर बॉडी की तरफ नहीं होना चाहिए, आपको क्रॉस हेयर चाहिए ऊपर के साइड, हेड के साइड वगैरह होना चाहिए। भले गोली ना लगे, हेड से थोड़ा नीचे भी लगेगी तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ डैमेज ज़्यादा पड़ता है। इनकेस अगर आप पैर पर रख रहे हो अपना क्रॉस हेयर या फिर कुछ भी, तो वहाँ पर डैमेज बहुत कम पड़ेगा। बंदे क्रॉस हेयर ऊपर है तो ऑब्वियसली बात है वहीं मारेगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि आपका क्रॉस हेयर ऊपर रहना चाहिए अगर कोई भी आप रश कर रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। तो चेक दिस आउट, तो ये क्लिप आपने स्टार्टिंग में देखी होगी, यहाँ पे मेरा क्रॉस हेयर देखो कहाँ पर है, ऊपर की तरफ है बंदों के, ना कि मेरे को नीचे की साइड। एंड ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, देखो मेरा क्रॉस हेयर ऊपर की तरफ है, मेरा क्रॉस हेयर पैरों की तरफ नहीं है, मेरा क्रॉस हेयर ऊपर की तरफ है कि बंदे को जल्दी से 3-4 गोली में मरे वो। एक तो मेरा टॉमी है, चलो कोई टॉमी का डैमेज अच्छा है, एंड सामने से बंदा रहा। और इसमें एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जब भी किसी स्क्वाड से फाइट लो तो ऐसे फाइट लो कि वो स्क्वाड एक एक करके आए, हर बंदा ऐसी एक एक जगह से आ पाए, पूरे एक साथ ना आ पाए, क्योंकि अगर पूरे एक साथ आ गए तो वही मार देते मेरे को। एक एक करके ही आए वहाँ से, एक ही की जगह हो आने की, देखो दो फंस गए थे, तो ऐसी इस जगह से ही फाइट लेनी है आपको। अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो साउंड एंड प्री फायर। देखो मैं इसमें आपको पूरा एग्जांपल देता हूँ कि क्या है दोनों का मतलब। तो आपको समझ आया कि क्या था, तो मैं आपको फिर से समझाता हूँ और स्लो मोशन में समझाता हूँ वीडियो में कि क्या है इसका मतलब पूरा। तो यहाँ से देखना, मेरे को यहाँ से बंदे की आवाज़ आने लगी एंड मुझे पता चल गया कि लेफ्ट से आ रहा है, तो मैंने प्री फायर पहले ही दे दिया बंदे पे।
एंड इसके बाद मुझे पता था यहाँ पे बंदा है, मैंने फिर यहाँ फ्री फायर दिया कि अगर वो आ रहा होगा तो ठीक है। फिर मैंने उसकी आवाज़ सुनी, वो आ रहा है, मैंने गन चेंज करी, AK निकाली, कॉज AK हैज़ अ बेटर डैमेज देन M4 इन क्लोज कॉम्बैट। तो ये एक फ्री फायर का था एंड साउंड सेंस इसमें जरूरी था, साउंड का सेंस था मेरे पे, इसलिए मैंने फ्री फायर दिया। और मुझे पता था बंदा कहाँ से आ रहा है। एक और क्लिप दिखा दो, वो देखो और अब समझ जाओगे। तो सामने बंदा TPP ले रहा है, ऑब्वियसली बात है जंप करके शॉट लिया, फ्री फायर दिया, पहले ही फायर देने लग गया था मैं। ये नहीं कि मैं बंदा देखा फिर जंप करा फिर आया फिर मारा, नहीं, पहले फ्री फायर दिया, उसी के बाद वो बंदा उसी में मर गया। एक और क्लिप है, इसको आप देखो और आप समझ जाओगे कि फ्री फायर कितना ज़रूरी है। तो जस्ट चेक दिस आउट, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको पूरा यहीं से बता दूँ क्या है कि मैंने यहाँ पे बंदा मारा, उसके बाद मैं ऊपर गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे उसी से पहले सीढ़ियों पे फ्री फायर दिया कि वहाँ पे ना हो, फिर मुझे पता चल गया वो रूम में एंड वो बंदा फ्री फायर में ही आ गया। ऑब्वियसली बात है वो जैसे ही निकला वो मेरे फ्री फायर में ही आ गया। बहुत ज़रूरी है फ्री फायर, अगर मैं डायरेक्ट घुस रहा होता और वो बंदा वहाँ पर पहले ही मेरे को वहाँ से निकल के मार देता तो मैं मर जाता। तो फ्री फायर देना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं जो लास्ट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वो है मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट कितनी ज़रूरी है, कितनी इफेक्टिव है, वो मैं आपको बताता हूँ। क्राउच, प्रोन, ये सब काफ़ी ज़रूरी है आपकी फाइट्स में, ठीक है। मैंने आपको जंप तो दिखाया था पिछले क्लिप में कि जंप करके मैंने जो मारा था बंदा TPP लड़ता, लेकिन प्रोन, क्राउच, ये सब भी बहुत ज़रूरी है। तो उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बंदे को मारा, ठीक है, यहाँ पे मैंने बंदे को मारा, मैं कूदा और मैं खिड़की पे ही फायर दे रहा था क्योंकि मेरे को बंदा दिखा था कि वो निकले ना, एंड जब वो निकला उसके बाद आप चेकआउट करना मैंने प्रोन कैसे हुआ। मैं फिर प्रोन हो गया, अगर वो शॉट मेरे हेड पे लेता तो मैं प्रोन हो गया था, उसको टाइम लगता है एम लाने में जब तक मैं उसको मारता। तो ये प्रोन होना भी बहुत ज़रूरी है, आपके मूवमेंट्स काफ़ी ज़रूरी है इस फाइट्स में, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्राउच होना, पीक लेना एंड प्रोन होना। तो ये मूवमेंट्स आपकी काफ़ी ज़रूरी है। आपको जो आपका डीप पैड है, जो मूवमेंट पैड है, उस पर आपका हाथ बिल्कुल सेट रहना चाहिए कि आप जब चाहो लेफ्ट हो राइट हो बिल्कुल स्प्रिंट करना, जब स्प्रिंट करो उसको छोटा बड़ा कर सकते हो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, एंड इन सब पे आपका हाथ बैठना चाहिए। अगर ये सब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे थे ना, और ड्रिल्स वगैरह मैं आपको बता रहा कि लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा फॉर ड्रिल्स, अगर ड्रिल्स चेकआउट करें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वो जाकर चेकआउट कर लो, पूरी वीडियो देख लेना, वो भी आपको समझ आ जाएगा कौन कौन से ड्रिल्स आपको फॉलो करनी है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं मिलता हूं आपसे कौन है वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग एंड वीडियोस देखते रहना मेरी अगर पसंद आए तो, एंड मेक श्योर टू लीव अ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, बेल बटन जरूर दबाना, ऑल पे सेट कर देना। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूं कौन है वीडियो के साथ, तब तक देखते रहो वी प्लेस एंड बाय बाय, पीस।